न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपसे सुजिता। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कश्मीर के किश्तवाड़ में मिनी बस खाई में गिरी, 33 यात्रियों की मौत, 22 जख्मी। जीएसटी के 2 साल पूरे, आज शुरू हो रहा है नई रिटर्न प्रणाली का परीक्षण, अक्टूबर से होगा लागू। अस्पताल में मरीज के साथ बदसुलूकी, चादर पर रखकर मरीज को घसीटा। कैलाश विजयवर्गीय बोले, कच्चे खिलाड़ी हैं आकाश, अधिकारियों में नहीं होना चाहिए अहंकार। वर्ल्ड कप में भारत की पहली हार, इंग्लैंड 31 रन से जीता, टूर्नामेंट में 27 साल बाद टीम इंडिया को हराया। खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सोमवार को एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 33 यात्रियों की मौत हो गई, फिलहाल किसी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि हादसे में 22 यात्री जख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस केशवान से किश्तवाड़ा जा रही थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक देश एक कर के नारे के साथ 2 वर्ष पहले आज के ही दिन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लॉन्च किया गया था। शुरुआती अड़चने पार कर जीएसटी स्थिरता और स्थायित्व की ओर बढ़ा है, लेकिन सरलीकृत रिटर्न निर्यातकों को त्वरित रिफंड और रियल स्टेट व पेट्रोलियम उत्पादों को इस परोक्ष टैक्स प्रणाली के दायरे में लाने की चुनौतियों से पार पाना भी बाकी है। जीएसटी की दूसरी सालगिरह पर सरकार सोमवार से नई रिटर्न व्यवस्था का परीक्षण शुरू कर इसी दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा है कि जीएसटी का क्रियान्वयन शुरुआती महीनों में चुनौतियों के बिना नहीं हुआ है। व्यापार व उद्योग जगत के सहयोग से इन चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया गया है और जीएसटी अब स्थिर हो गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में अस्पताल कर्मचारी ने स्ट्रेक्चर ना मिलने पर मरीज को फर्श पर घसीटकर एक्सरे जांच कक्ष तक पहुंचाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर 2 अन्य की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है। ओपीडी में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लग सके कि घटना कब की है। अस्पताल प्रशासन उस मरीज का पता नहीं लगा पाया है जिसे फर्श पर घसीटा गया था। अपने विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर निगम के अधिकारी को बैट से पीटने के मामले में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आकाश और नगर निगम कमिश्नर दोनों ही कच्चे खिलाड़ी हैं। यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन बड़ा बनाया गया। मुझे लगता है कि अधिकारियों को अहंकार नहीं होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। मैं उक्त घटना में उसी की कमी देखता हूं। ऐसी घटना दोबारा ना हो, दोनों पक्षों को यह बात समझनी चाहिए। मैं एक बार पार्षद, मेयर और विभाग का मंत्री था। हम बारिश के दौरान किसी भी आवासीय इमारत को ध्वस्त नहीं करते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसा आदेश किसने जारी किया। यदि सरकार ने यह आदेश जारी किया है तो यह उसकी गलती है। हालांकि आकाश विजयवर्गीय पहले ही कह चुके हैं कि वह अधिकारी को पीटने पर शर्मिंदा नहीं है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को पहली बार रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली। इस पर कप्तान विराट कोहली ने कहा कि टीम फ्लैट पिच पर अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारे बल्लेबाज तेज गति से रन बनाने में नाकाम रहे। विराट ने कहा कि अगर हम अहम मौकों पर विकेट ना गंवाते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। विराट ने कहा कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन जिस वक्त पंत और पांड्या क्रीज पर थे तब हमारे पास शानदार मौका था। पंत और पांड्या कुछ शॉट्स लगाकर हमें टारगेट के करीब पहुंचा सकते थे, लेकिन हमने गलत समय पर विकेट गंवा दिए और बड़े लक्ष्य का पीछा करने के दौरान यह काफी परेशानी पैदा करता है। पन्ना जिले के शाहनगर पुलिस थाना से महज 7 किलोमीटर दूर पन्ना कटनी मार्ग पर तिदनी टेक के समीप 2 बाइकों में आपस में भिड़त हो गई, जिसमें 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर लाया गया, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद कटनी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। दुर्घटना में नादरपुर पवई निवासी राघवेंद्र गौड़ की मौत हो गई है, दूसरे व्यक्ति अभी अज्ञात है। गंभीर घायलों में चतुर प्रताप सिंह एवं सुरेंद्र सिंह शामिल है।
एक समय ऐसा भी आया था जब मंदाकिनी नदी चित्रकूट में आचमन लायक भी नहीं बची थी। जहां सरकार गंगा सफाई अभियान को लेकर सजग थी, मगर जिनके माध्यम से यह काम होना था वह काफी लापरवाही पूर्ण रहा। आलम यह रहा कि चित्रकूट के कई गंदे नाले मंदाकिनी में ही मिलते हैं, लेकिन अब कौन फरिश्ता बनकर आ जाए यह पता नहीं चलता। इसी कड़ी में चित्रकूट पहुंचे रमाकांत शुक्ला ने मां मंदाकिनी की सफाई अभियान का बीड़ा उठाया और जन सहयोग से इस काम में लग गए, जिसका परिणाम ये रहा कि मां मंदाकिनी की तलहटी भी साफ और सुंदर दिखने लगी। सतना जिले के रामनगर में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष देवरत्नम सोनी पर कार्यालय में सीएमओ पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है। लगातार पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से अध्यक्ष के हौसले बुलंद है। टीआई सतीश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं। सतना पुलिस और प्रशासन का शर्मसार चेहरा सामने आया है। लगातार गुहार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका नतीजा अधिकारी को भुगतना पड़ रहा है। तो कौन किया आपके साथ मारपीट? कौन कौन? देवरत्नम सोनी, अजय द्विवेदी, लालजी सिंह और ममता द्विवेदी और राजेंद्र वर्मा। सीएमओ का कहना है कि अध्यक्ष आप लोग ने मारपीट की हमारे साथ। वो सब झूठ बोल रहा है। मेरे साथ में मारपीट कर रहे थे तो उन्हीं के लोगों ने अधमाधुर लाठी चला रहे थे, उन्हीं की लाठी लगी उनका। सतना जिले के रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय युवा नेता सतीश शुक्ला ने अपने सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। शुक्ला ने कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से सचिन राव समर्थ मिश्रा को इस्तीफा भेजा है और पार्टी का प्राथमिक सदस्य बना रहूंगा और पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने का सतत प्रयास जारी रखूंगा। आपको बता दें कि युवा नेता सतीश शुक्ला ने लोकसभा चुनाव 2019 में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए यह कदम उठाया है। इस प्रकार से विगत दिनों देश में लोकसभा चुनाव का निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई और कांग्रेस की हार हुई है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के हार की नैतिक जिम्मेदारी हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी ने लिया और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, जिनके समर्थन में पूरे देश में संचालित युवा कांग्रेस सिलेक्शन कमीशन के पदाधिकारीगण विगत दिनों दिल्ली मुख्यालय में एक आवश्यक बैठक बुलाकर सभी पदों से त्याग पत्र दिया है, जिसका मैं समर्थन करते हुए अपने जिला रिटर्निंग ऑफिसर पद से त्याग पत्र देता हूं। पन्ना जिले में साइबर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई गिरोह सक्रिय हैं जो आए दिन खाता धारकों को लालच देकर उनसे खाता, एटीएम और ओटीपी की जानकारी पूछकर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी एक घटना पन्ना जिले के ककरहट्टी निवासी शिक्षक महेंद्र पांडे के साथ हो गई। हुआ ये कि उनके ककरहट्टी SBI के खाते से दो बार में 48,000 रुपये और एक बार में 24,000 निकाल लिए गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कानून व्यवस्था एवं फर्जी कॉल से सावधान रहने के लिए सख्त हिदायत दी जा रही है। बैंकों द्वारा भी जानकारी दी जा रही है, लेकिन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं और उन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। दिनांक 28/6/19 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके मोबाइल में फोन करके और उनसे ATM से संबंधित जानकारी प्राप्त करके दो बार में कुल 73,998 रुपये का फ्रॉड उनके खाते से कर लेना आवेदन पत्र में दिया है। पुलिस ने 5,90,000 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1,00,000 नगद, 10 ATM कार्ड एवं स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है, जिन्होंने देवनगर, पन्ना, छतरपुर, सागर, हबीबगंज, भोपाल, उज्जैन, फतेहपुर, इलाहाबाद, संतनगर, दिल्ली, भदोही, वाराणसी आदि अलग अलग स्थानों के ATM बूथों से निकाले थे और इनकी शिकायत अलग अलग थानों में की गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अनुपम उर्फ सूरज तिवारी एवं राहुल यादव बताए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।